स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और जितने भी तरीके से मेरे दिल से जो आवाज़ आ रही है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके कारण आज इस फार्मेसी ज्ञान परिवार में 5,000 से ज़्यादा सदस्य हो गए हैं, चैनल भी मोनिटाइज हो गया है। इसके लिए थैंक यू सो मच। डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के लिए ISC का होना जरूरी है, जिसमें PCM PCB होते हैं। लेकिन ये खुशखबरी ये है कि जो छात्र आर्ट्स या कॉमर्स से अपना इंटर किए हैं यानी 12वीं किए हैं, उनके पास भी मौका है डिप्लोमा इन फार्मेसी करने का और इस कोर्स को कंप्लीट करने का। तो इसके लिए सबसे पहले आपको, अगर ये कोर्स करना है डिप्लोमा इन फार्मेसी आर्ट्स और कॉमर्स वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको 3 साल लगेगा। 1 साल का मैं आपको ISC करवाऊंगा ओपन स्कूल से, वो NIOS से भी हो सकता है और BBOS से हो सकता है, बिहार ओपन स्कूलिंग से। उसकी रिजल्ट आ जाती है 6 महीने के अंदर, और उसका रिजल्ट के आधार पर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी नीट या कोई भी ISC का जो गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ये पूरी तरह से वैलिड सर्टिफिकेट है, आप इसके बारे में पता भी कर सकते हैं। तो जो जिन छात्रों ने आर्ट्स या कॉमर्स से इंटर किया है और उनकी ख्वाहिश है कि अपना मेडिकल शॉप खोले और या फिर फार्मासिस्ट के तौर पर कहीं गवर्नमेंट में जॉब करें, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि आप भी डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं। आपको ISC करवाने के लिए 1 साल का समय लगेगा और 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स लगेगा। इसके लिए कितने पैसे खर्च होंगे, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन हो आपके मन में डिप्लोमा इन फार्मेसी से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, न्यू सिलेबस के रिलेटेड, एज को लेकर के कि कितने एज तक ये किया जा सकता है, कौन कौन से कॉलेज का एफिलेशन है 2021 में एडमिशन के लिए, किन किन कॉलेजों को बंद किया गया, वो सारे क्वेश्चन चाहे आप फार्मेसी से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर 5,000+ सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच।